बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा में हुए लिफ्ट हादसे की, जहां मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। बता दें आपको, चार और मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अब तक कुल आठ मजदूरों की मौत इस दुखद हादसे में हो चुकी है। लिफ्ट कंपनी NBCC के GM समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी इस बीच किया गया है। तो ये बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे से जुड़ी हुई। अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 8 पर पहुंच चुकी है। चार और मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लिफ्ट कंपनी NBCC के GM समेत 9 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। कुलदीप के पिता मौजूद हैं, ये बताइए कि कल कुलदीप घायल थे, आज उनकी दुखद मृत्यु हुई है। परिवार वालों ने क्या, जब वो घायल थे मिलने दे रहे थे अस्पताल वालों ने, क्या हमें मिले नहीं, देखे भी नहीं मिले, जाने ही नहीं दिया। मृत्यु होने के बाद मिलने दिया। अब बाद में जब अब सवेरे ही पता लगो वही दीदी बात बनी गई, खत्म हो गए। हम तो आए तब से हमें तो हमें पता नहीं है, वो जाके कि है आराम है। कुलदीप के परिवार में और कौन कौन लोग हैं? ये हम पिता हैं लड़का के। कितने बच्चे हैं, कौन कौन है? कुलदीप शादी नहीं भाई, ये 20 साल को तो बहू ही है वो। इन्होंने मिलने ही नहीं दिया मेरे को। रात में सुबह पता लगा कि बाकी आपके एक्सपायर हो चुके हैं, मर गए। जबकि बच्चा शाम को ही मर गया था। जब मेरा बच्चा आया उस समय बोल रहा था अगर ये मिल जाने देते तो शायद मेरे को अपनी दिल की बात बता देता। हम रात में यहाँ पे एक बजे यहाँ से गए हैं, बोलते रहे हमें दिखा दो एक बार, किसी ने नहीं दिखवाया, अंदर तक नहीं जाने दे रहे थे। हम यहीं बैठे थे जब 12 बजे तक। इस वक्त हमारे साथ नोएडा के एडिशनल DCP शक्ति अवस्थी जी। शक्ति जी, बेहद दुखद घटना हुई है ये, अभी जो घायल हैं उसकी क्या हालत है और कुल जो मजदूरों की मृत्यु हुई है कौन कौन लोग हैं, क्या है? कल सुबह जैसा आपको मालूम है, थाना बिस्तर के अंतर्गत एक आम्रपाली सोसाइटी में जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ पर एक लिफ्ट के गिरने से 9 मजदूर घायल हो गए थे, इसमें से 4 की मृत्यु कल हो गई थी। और बहुत ही दुखद सूचना है कि आज भी सुबह 6 बजे के आसपास उन 4 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति जिसका नाम कैफ है और वो मेरठ का रहने वाला है, उसकी जान बचाने के लिए पूरे प्रयास अस्पताल में जारी है। सर, इस पूरे मामले में लापरवाही किसकी है, किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन सी धाराएं हैं? अलग अलग लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, करीब करीब 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें अभी जाँच चल रही है और जल्द ही हिरासत में लोग लिए जाएंगे और उसके बाद पूछताछ के बाद लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। परिवार वाले जिनके लोगों की मृत्यु हुई है उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने, जब जिंदा थे मरीज इलाज चल रहा था तब अस्पताल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया उनको अपने परिवार से। नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और अभी भी परिजन यहाँ से है। मेरी खुद भी मुलाकात हुई है, CMS जी से भी मेरी मुलाकात हुई है और सभी लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि कोई भी यहाँ पर समस्या उत्पन्न ना हो।